पाकिस्तान के इस घातक ऑलराउंडर ने कर दी चौको छक्कों की बारिश। रोमांचक मुकाबले में शतक ठोककर हारा हुआ मैच जिताकर इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, कौन है वो खिलाड़ी बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल पाकिस्तान की टीम में एक से बढ़कर एक शानदार खिलाड़ियों की भरमार है। बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान और शादाब खान से लेकर शाहीन अफरीदी तक पाकिस्तान टीम के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो पलक झपकते ही टीम को मैच में जीत दिला सकते हैं। इन खिलाड़ियों के दम पर ही पाकिस्तान की टीम ने हाल के दिनों में अपना नाम पूरी दुनिया में कमाया है। पाकिस्तान टीम के पास खिलाड़ियों की भी इतनी भरमार है कि एक पोजीशन के लिए कई खिलाड़ी मौजूद रहते हैं। पाकिस्तान में अब क्रिकेट का जोश सर चढ़ कर बोल रहा है। ऐसे में कई खिलाड़ियों का करियर भी खत्म हो जाता है, उन्हें टीम में खेलने का मौका तक नहीं मिलता है, जिसके बाद खिलाड़ी अपना देश छोड़कर दूसरे देश से भी खेलने चले जाते हैं। दोस्तों हम ऐसे ही एक खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है सिकंदर रजा। आपको बता दें कि सिकंदर रजा पाकिस्तान मूल के ही खिलाड़ी हैं। इनका जन्म पाकिस्तान में ही हुआ था, लेकिन फिलहाल ये जिम्बाब्वे की टीम की ओर से खेलते हैं। जिम्बाब्वे की ओर से खेलते हुए इन्होंने दमदार प्रदर्शन कर अपनी टीम को शानदार तरीके से जीत दिलाई है। सिकंदर रजा की टीम में शामिल हो जाने से जिम्बाब्वे की टीम अब पहले से अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है, जिसका नजारा बांग्लादेश के खिलाफ चल रहे मौजूदा वनडे सीरीज में भी देखने को मिला है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे मैच में जिम्बाब्वे टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली है, और इससे भी अच्छी बात यह रही कि उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाकर नॉट आउट वापस लौटे। उस शतकीय पारी के दौरान सिकंदर रजा 109 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के की मदद से नाबाद 135 रनों की पारी खेली। सिकंदर रजा की बात करें तो उनकी एक अलग कहानी है। सिकंदर रजा का जन्म 24 अप्रैल 1986 को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत पाकिस्तान में ही की थी और पाक के लिए अंडर 19 क्रिकेट भी खेले थे, लेकिन उसके बाद सिकंदर रजा जिम्बाब्वे चले गए और फिर जिम्बाब्वे के लिए ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिया। ऐसे में इस खिलाड़ी ने दमदार प्रदर्शन कर एक बार फिर से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।